ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही हो ना, तुमको मैंने देखा नहीं। देखो क्या हो गया, पूरा घर पानी पानी। आप लोग सोच रहे हो मैत्री पानी कहाँ से आया, मुझे भी पहले समझ में नहीं आया, पूरा ये जगह पानी पानी क्यों हुआ वो भी बताती हूँ। शांतनु ये मुझे सिखाया, मैं नॉर्मली बॉटल से पानी भरती थी, ये रख के ना मतलब थोड़ा सा खोल देती हूँ तो खड़ा रहने की जरूरत नहीं और दो चार काम, तो ये खोल के मैं चली गई थी, फोन आ गया था, उसके बाद मैं भूल गई फोन के चक्कर में, पूरा यहाँ से यहाँ तक पानी पूरा निकल के पूरा बॉयल वाटर। ये मतलब बोलो सो, मतलब सुबह में ऐसे किसी के साथ हो ना। यहाँ पे मैं गिरते गिरते भी बची, सोचो मतलब क्या हालत है। उफ, पूरा जो पानी है वो भी गया और पूरा घर साफ करना पड़ेगा अभी। तो देखो पूरा जो बॉयल वाटर था वो पूरा इसके नीचे भी घुस गया, वही मैं सोच रही हूँ नीचे कैसे करूँगी। ये तो जाता तो है नीचे, लेकिन नहीं उस दिन गया था, हाँ मैंने उस दिन डाला तो उसको नीचे, पहले इसको लॉक तो करो। अभी कहाँ कहाँ गया वो भी तो नहीं पता चल रहा, उडन है वो पूरा। इसको ना सुखाने के लिए दिया है, मोटा है काफ़ी, ये नीचे का रग है लेकिन मैं अभी मैट हिसाब से बिछाती हूँ क्योंकि तो काफ़ी अच्छा है, मतलब स्किड ये ऑलरेडी मेरा रिसेंट वीडियोस में है। और इसको भी उल्टा करके दिया, देखो ये छोटा सा वाला जो यहाँ पे बिछाया था ना, यहाँ पे ये तरफ सूख जाएगा ना रबर की तरफ, तो ये तो जल्दी सूख जाते। तो वैसे आज का सुहाना वेदर है। I'm the landscape you need to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं दोपहर में बैठी हूँ यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, मतलब धूप आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब देख के देखो आप लोगों का बिना लाइट का ये नेचुरल लाइट जो लाइट होता है ना, मतलब कमाल की लाइट होता है। तो इस तरह से आज का वेदर बहुत सुहाना वाला वेदर है। सुहाने के साथ साथ आप लोगों को बैल्कनी का फिर से और एक बार टूर देती हूँ, अच्छा लगता है बैल्कनी, मतलब पता नहीं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे घर से ज़्यादा बैल्कनी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है? और यहाँ पे इसको भी थोड़ा बहुत ठीक किया था, कल मैंने उसको ट्रिम किया था, लेकिन उसको ना ये जो है ना ये ऊपर में उसको डालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी शांतनु का हेल्प चाहिए, जो शांतनु अभी ऑफिस आए बहुत खुश है, ये भी बहुत खुश है, लेकिन पूरा जगह अभी डस्टिंग भी करना पड़ेगा, आज नहीं। अच्छा लगता है यहाँ से अगर देखें तो इस तरह से, और यहाँ से देखा तो इस तरह से एक मधुमक्खी आ रहे है, भागो हनी भी घूम रहा है, पुक कर देगा ना तब मेरा हालत खराब हो जाएगा। एक दो बार किया था बाबा, ये जो जलते है ना। I lose my self-restraint. I think we're done, then you add more pain. I calm down and watch it dry. क्या चल रहा है पता है? पेपर का शॉट लिया जा रहा है, एक सामान नहीं दिया तो वो कल देगा, इसीलिए प्रूफ प्रूफ जरूरी है। स्वीटी नींद कैसा रहा, गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट बोलो? एक ही बार में सुबह में उठती है बाबा, क्यों खाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, मुझे खाना बनाने नहीं पड़ता, मैं खाना नहीं बनाती आज। मैं डब्बा लेके जाने के लिए खड़ा हूँ, खड़ी मैं आज तक ये सुधर नहीं रहा है, सुधर नहीं। अरे बाबा है ना कैंची का नाम कैंची का नाम, बिना टच किए ऐसे करके रखा जाता है। ये ना चाय के साथ खाने में ना जबरदस्त है, नहीं इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, चिकन चिकन करी। चिकन करी यार, चिकन के लिए एक में क्या होगा। हाँ सचमुच वही मैं नॉनवेज वाला ग्रेवी के साथ ही हूँ, आज दूध के जगह मैं आज ब्रेड खाने वाली हूँ। हाँ स्वीटी तब से मुझे क्या पका रही है पता है, अभी ब्रेड खाऊंगी दूध के साथ, ब्रेड खाने का शुभ मुहूर्त है। किसने बोला? पंडित जी। गणपति की बात से खुद को पंडित जी समझने लगे है, अरे बाबा बिना जनेऊ के पंडित जी है, पापा से उधार ले लेते जनेऊ। एक्चुअली क्या है पता है, मेरा नाम मैत्रेयी है, एंशिएंट मतलब हिस्ट्री में जाए मेरा नाम के हिसाब से मैं एक ऋषि हूँ, वेद का ऋषि थी मैत्री, गार्गी, लोपामुद्रा ये सारे नाम, उनका जनेऊ रहता था, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, मैं मम्मी को बोलती थी मेरा जनेऊ कब होगा, मतलब
अच्छा लगता था, पापा को दिखा है तो उसके बाद मम्मी ने बोला नहीं होता है। ये है स्वीटी का पसंदीदा चॉकलेट कुकीज है। हाथ मत लगाना, अभी तुम ब्रेड भी खाओगे, कुकीज भी खाओगे, कितने सब कुछ। अभी कुकीज नहीं खाएगा, बिस्किट या कुकीज होता ना हमारा टाइम पास, आटे का है, सारे प्रोडक्ट आटे का है, इसीलिए मैं कभी कभार ऑर्डर करती हूँ। यहाँ पे एक है ना, ये मेरे लिए, हमारे ब्रेड का खजाना, मैं और स्वीटी बहुत खुश हो जाते। शांतनु का क्या पोपट हुआ था, ओ वासा वासा, 10 मिनट ना ये तवा के ऊपर सेक रहे हो। स्वीटी ने ब्रेड सेक के वो गई, उसके उसने ऑफ कर दिया। इस तुम्हारा तवा क्या अच्छा नहीं है क्या, मुझे बोल रहा है 10 मिनट लिटरली उसने इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया, और मेरा उसको साइड से गरम कर रहा है। उसमें थोड़ा सा मैंने बटर लिया, मतलब व्हाइट मक्खन, व्हाइट नहीं है, व्हाइट बटर नहीं है वो, तुम्हारा ये येलो बटर है। व्हाइट बटर है तो वो भैंस वाला होता है, हाँ हमारा गाय वाला, तो मैं पीला बटर बोलूंगी ना। Give me love, give me all your love, oh cause I want you. No one else makes me feel this way. लवली चाय के साथ। ये देखो पिनोकियो पार्ट 2 को साड़ी पहना दिया, कितना फनी लग रहा है। I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? उसी में कलौंजी, तेज पत्ता और हरी मिर्च चीरा लगा के, पम्पकिन, 1 चम्मच शुगर क्योंकि कैरामलाइज होगा, ब्राउन होगा इसीलिए, रेड चिली पाउडर, अदरक का पेस्ट है उसमें कुटी हुई, जीरा पाउडर, हल्दी, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा पानी देके इसको भिगो के रखना है 10-15 मिनट। कलौंजी, मेथी और सौंफ, मतलब मोहरी, कलौंजी मीन्स नाइजेला सीड, किसी किसी को नहीं पता है तो फालो जीरे भी बोलते हैं, थोड़ा सा जीरा, रांधुनी या सेलरी सीड, अगर ये ना मिले नीचे नहीं दिया रहेगा, इसको अजमोद बोला जाता है, अजवाइन जैसे दिखने में लेकिन खुशबू अलग है। अगर ये ना मिले थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर मतलब अलग फ्लेवर। और पम्पकिन को इस तरह से एकदम लाल लाल टाइप का फ्राई करना है, इसमें पोटैटो जो फ्राई करके रखा था वो, जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो, इसको भूनो। और इसी टाइम पे चना को मैंने बॉयल करके रखा था, पता है मैं खड़ा होके पानी पी लिया, उसके बाद याद है आप लोग बहुत डांटते हो इसके लिए, आई एम सो सॉरी, बैठ के पानी पीना चाहिए। और इसको अभी जस्ट कूटना है, और अंदाजे से सॉल्ट भी इसको ढक ढक के पकाना है, और जब लगे सब्जी इस तरह से पक गया है मतलब आपको लगेगा, और ब्राउन ब्राउन भी भुना हो गया, लास्ट में जो मसाला कूटा था वो, और मिक्स करके ये रेसिपी बन गया। स्मैश नहीं करना है, इस तरह से ही मतलब होल होल टाइप का ही होता है, और इसे कहते हैं कुमड़ो छक्का, ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी। सबसे बेस्ट ये किसके साथ जाता है पता है, पूरी के साथ, जो खुशबू आता है ना उसको खा के देखो। आज एक न्यूज़ दे रही हूँ, स्वीटी आज सर्व कर रही है, मैं हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ ही हो ना, तुमको मैंने देखा नहीं सर्व करते हुए। तू आमा के की दिच्छी रे बाजे बाजे पीस पीस कुमड़ो गुलो बाजे बाजे बेसी कुमड़ो बाल लगा ना। हाँ कौन है इधर? आज शांतनु का फेवरेट खाना बना है। इसके साथ और एक चीज मिस कर रहे शांतनु, तुम मिस कर रहे हो इसके साथ पूरी, पूरी और एक रसगुल्ला, तो चलो क्या कॉम्बिनेशन है। इसका रिव्यू तो देना बनता है, ये सब्जी जरूर बनाना। आज शांतनु रिव्यू देंगे कैसा उसका फेवरेट कुमड़ो छक्का, भोपला का सिक्सर, पम्पकिन सिक्सर, छक्का मतलब सिक्सा मतलब वैसे ही। एक्चुअली पम्पकिन होता है शांतनु का जिला का सबसे फेमस डिश, मतलब बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का कुमड़ो पूरी वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। पूरी के साथ बनता है मैत्री, पूरी के साथ औसम लगता है, कुड़मुड़ा 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 के साथ, सान के, सान के, कच्चा प्याज और कच्चा लंका मिर्ची के साथ। और कुछ बता दो, और कुछ उसके साथ खा के देखो या देख के खाओ, वही एक ही हो। आज शाम को ना इसको लगाया था, जो छोटा छोटा बेबी था ना उसी से लगाया, स्पाइडर प्लांट का बेबी अभी बड़ा होगा। ये एक्चुअली हैंगिंग टाइप का है,
तो मैंने पहले खोल लिया था, लगाने के टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओ वाह अच्छा लग रहा है ना, काश किचन पे टांग करती। मुझे किचन पे पौधा रखने का शौक है, लेकिन यहाँ पे ना टांगू ना तो लाइट नहीं आता, तो अभी रहने दो उसको, सुबह में थोड़ा सा यहाँ पे लाइट आएगा ना। ये जो प्लांट है ना, इसमें भी अगर पानी में लगा दोगे ना तो रूट्स निकलने लगता है, उसके बाद आप मिट्टी में भी लगा सकते हो। तो मैं छोटा वाला जो बच्चों का जो टॉयज होता है बालकनी के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो, मेरा तो बालकनी में है ये, तो एक ले लिया। और ये छोटा छोटा जगह, हाँ स्पाइडर प्लांट कोई जो पोसते हैं, मैं तो स्पाइडर प्लांट पानी में रखती हूँ तो मतलब खराब हो जाता है, लेकिन पानी में सिर्फ उसका रूट्स रहना है, उसका बॉडी मतलब एक भी पत्ता अगर रहेगा ना तो खराब हो जाता है। यहाँ पे देख रहे ये काला काला अगर पत्ता है, देखो पत्ता सड़ गया, ये भी आपको बीच बीच में साफ करना है, इस तरह से, इस टाइप का नहीं रहना है। ये छोटा वाला के अंदर ना ये दो डाल रही हूँ, तो देख रहे अच्छा लग रहा है, हैंग कर सकते हो, कितना सुंदर लगेगा। ये पूरा सेट में से ये दो लिया, बाकी बालकनी में इसको ना यहाँ पे रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आता है सुबह के टाइम, तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं यहाँ पे रहने से अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जल्दी ग्रो होता है। दिखने में बहुत खूबसूरत छोटा सा टाइनी, ये स्वीटी को किसी ने गिफ्ट दिया था। वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा, प्लांट अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, क्योंकि प्लांट के लिए स्पेशल लाइक तो बनता है। मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस टाइप का प्लांट वीडियो अभी तो आएगा बहुत सारा, क्योंकि अभी दिवाली दशहरा, तो अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव ऑल माय फ्रेंड्स। आई डोंट नो वेयर शी केम फ्रॉम, ये देखो सेम वही प्लांट का प्रोपोगेशन किया था, कितने सारे रूट्स निकला है व्हाइट व्हाइट, जो प्रोपोगेशन वीडियो है जो दिखाया था ना उसी टाइम पे लगाया था, बड़ा हो गया। Kinda turn me upside down, I just don't know what to do.